हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। मैं रुमस मियाल अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो गाइस, अभी बजे है सुबह के 8 और हम आए हैं ऊपर अपने लैंटर के ऊपर। तो वहाँ पे अब हम बना रहे हैं आज क्यारी, क्योंकि हमने 2-3 साल से एक ही जगह में क्यारी रखी थी, तो अब हम दूसरी साइड बना रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी काम कर रहे हैं। ये देखो गाइस, पहले हमारी क्यारी ना इस साइड थी, तो यहाँ देखो गिल्ला बड़ा है, देख शीरो खड़ा है, और हमने सारी मिट्टी निकाल दी है क्यारी की। और अब हम दूसरी साइड बना रहे हैं। हमारे पास कुछ फर्श के पत्थर पड़े थे, जब हम नीचे थीन बिछाएंगे फिर उसके ऊपर हम मिट्टी डालेंगे, फिर हमारी क्यारी रेडी हो जाएगी। देखो शीरो कितना काम कर रहा है, शीरो है ये देखो। और मैंने पर्दे धोए थे सुबह, तो अभी ऐसे ही कट्ठे कट्ठे डाले हैं, क्योंकि मिट्टी उड़ेगी। तो ये देखो आज का काम, ये देखो मेरा बेटा, ये हमारे पास एक स्टैंड सा पड़ा था, उसको तोड़ रहा है, थोड़ा काम है हमें और हम काम कर रहे हैं। अब ये देखो कितना गंद पड़ा हुआ है क्यारी बनाने के चक्कर में, जोरों शोरों से काम चला हुआ है। ये देखो मेरे हस्बैंड, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ये काम कर रहे हैं ना, इसलिए इनका पूरा फोकस काम के ऊपर है, क्योंकि इन्होंने ऑफिस भी जाना है अभी, तो अभी काम कर रहे हैं। रोंग की फलियाँ दिखाई थी आपको मैंने, बना के भी और वैसे बेल में भी दिखाई थी पिछले ब्लॉग में। तो उसकी बेले हैं और कुछ भिंडी के, जो भिंडी है उसके डंडे हैं, बांध रही हूँ, अगर बांध दी गई तो रस्सी लग रहा है, छोटी है बांधू नहीं पड़ी। ऐसे पिंड में भी बांधते थे जब गेहूँ को काट के घर लेके जाना था, वैसे इसको बांध दिया, ठीक है बांध दिया ना। ये अब आएगा कूड़े वाली गाड़ी, नेक्स्ट डे। ये देखो गाइस, हमने क्यारी ये कर रहे हैं इधर देखो काम, और हम क्यारी को ना कर दिया है तैयार। और ये ना साइड में प्लाई लगाई है, क्योंकि शीरो ना क्यारी के बीच में चला जाता है, तो फिर इसलिए हमने
क्यारी में ये देखो अभी भी बोल रहा है कि अंदर भेजो मुझे, इसलिए हमने ना क्यारी के सारी साइड में वो लगा दिए है प्लाई बोर्ड, ये फिर जा नहीं पाता है। तो अभी हमारी क्यारी रेडी हो रही है और इसमें लगाएंगे हम सरसों, पालक और मूली और कुछ थूम लगाएंगे थोड़ा बहुत। मेरे हस्बैंड कर रहे हैं काम इसमें, क्योंकि छोटी सी बनाई है तो दो जने नहीं कर सकते अंदर काम। ये देखो वैसे तो काफ़ी बड़ी है पर आपको नज़र आ रही होगी छोटी। ये देखो अब हम इसमें लगाएंगे सरसों और पालक। देखो भाई यह पालक, यह सरसों और यह मूली, और मैंने थोड़ा थोड़ा छिलके रखा है, ये भी हमने डालना है इसे एक साइड करके लगाना है, थोड़ा थोड़ा कुछ मूली और सरसों पट्टी बीज दो और एक साइड में ना पालक बीज देना। ये देखो सीरो को देखो कितनी जल्दी पड़ी है कि मैं अंदर जाऊँ और मैं खोदूँ क्यारी। ये देखो मोटा कैसे है, बहुत खराब है। ये देखो गाइज हमने मूली और सरसों तो लगा दिया, मेरे हस्बैंड थोम लगा रहे हैं यानी कि लहसुन, कई लोगों को नहीं पता थोम किसको बोलते हैं, तो ये लहसुन है इसकी, इसको यहाँ साइड साइड में बीज रहे हैं, बीज में मत बीजना साइड साइड में बीजना इसको। देखो इसको देखो क्या हो रहा है, ये बोल रहा है मुझे अंदर कर लो ताकि मैं सारा नुकसान कर दूँ जो इतनी मेहनत की हमने। लहसुन बीज के हो गया क्या? लहसुन हमने थोड़ा सा ही साइड साइड में बीजा ताकि जब कोई तरीदार सब्जी बनाओ ना तो इसके हरी हरी पत्तियां बड़ी अच्छी लगती हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा बीज लिया है इसको। गाइस अब मैंने ना कोठा धोना शुरू कर दिया है, कितना तो धो भी दिया है तो अभी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है धोने के लिए। तो क्यारी हमारी उधर बन गई है और बस ये काम रह गया है, आज भी उसे भी सफाई करेंगे धोएंगे नीचे भी आज सारा घर, साथ साथ में आपसे बात करती रहूँगी और काम भी करती रहूँगी। ये देखो गाइस मैंने लेंटर धो दिया है, कितना टाइम लगा मुझे, एक घंटा लगा यहाँ पे इसको धोते धोते। ये देखो और ये नेट डाल दिया मुग के ऊपर, मच्छर मक्खियाँ कुछ नहीं जाएंगी नीचे। ये देखो सारा लेंटर मैंने धो दिया है, बाहर से भी मैंने टाइलें धो दी हैं ऊपर वाली साइड से, और मैं जा रही हूँ बीच वाले लैंडर से जा रही हूँ बीच वाले पोर्शन में। ये देखो एक पुराना मंदिर बड़ा था वो ऊपर रखा है, मशीन गिल्ली हो गया था इसका कपड़ा।
है ना सारी मिट्टी निकल जाती है अच्छी तरह, ऐसे झाड़ू फूल लगता है। देखो सिरो तंग कर रहा था ना इसको मैंने इधर बांध दिया है, अब आराम से खड़ा है। जब रोना रोना धोना करने वालों का काम नहीं है जी। ये देखो उसने चढ़ा दिए हैं गैस पे राइस, हम उबले हुए राइस खाते हैं इसलिए वो कुकर में बना रही है। और ये मेरी सिस्टर का गिफ्ट, मैं उसको दीपावली देने जा रही हूँ। इसमें राधा कृष्ण की फोटो, ये देखो गाइस ये राधा कृष्ण की पिक सिंदरी, राधा कृष्ण की फ्रेम, ये मैं अपनी सिस्टर को दिखा देने जा रही हूँ। ठीक है, तो मैं आ गई हूँ अपनी सिस्टर के घर से, और फिर उसके बाद घर आकर मेरे घर में आ गए थे गेस्ट, तो उनसे बात करते कुरते हो गया टाइम कितना, तो अब बज के हमने अब डिनर बना के खा भी लिया, टाइम नहीं लगा मुझे वीडियो बनाने का तो सॉरी। तो अभी बज गए हैं रात के 10, तो अब मैं सोने जाने लगी हूँ। तो गुड नाइट, आप मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मैं अभी आपसे मिलूँगी कल सुबह। तो गुड नाइट, बाय बाय।